हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अभिजीत एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो लाइक आज हम इस जांगो प्रोजेक्ट में सीखेंगे कि कैसे हम लाइक एक होटल सर्च ऐप बना सकते हैं। इसमें लाइक थोड़ा बहुत एपीआई का कॉन्सेप्ट रहेगा और हम लाइक कंप्लीट एक होटल सर्च का ऐप बनाएंगे, वो डायनेमिक होगा। उसमें लाइक हम लोग रेट के वाइज फ़िल्टर कर सकते हैं कि कैसे लाइक जैसे सपोज दैट अगर आप कोई होटल लिस्टिंग वेबसाइट पर जाते हो, आपको लाइक होटल को सॉर्ट करना होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ओके लाइक तो उसमें क्या होता है, सारे हाई टू लो वाले प्राइसेस आते हैं। देन उसके बाद अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता है तो वो क्या होता है, सारे लो टू हाई प्राइसेस आते हैं। उसके बाद में लाइक अगर आपको कोई बजट लिमिटेड में चाहिए होता है, लाइक आपको इस बीच में रेंज में एक कोई होटल, बहुत सारे होटल सर्च करने होते हैं, उस चीज़ में आप सर्च कर पाते हो। और उसके बाद एमिनिटीज़ के हिसाब से सर्च कर पाते हो, लाइक आपको स्विमिंग पूल चाहिए, आपको बालकनी व्यू चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हम इस लाइक प्रोजेक्ट में सीखेंगे कि कैसे हम लाइक एक होटल ऐप बना सकते हैं, बहुत मिनिमलिस्टिक, बहुत सिंपल, बट बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। इसमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे लाइक होटल ऐप और लाइक कैसे थोड़ा बहुत APIs का कॉन्सेप्ट आता है और कैसे लाइक हम डेटा को लाइक फ़िल्टर करते हैं जांगो के अंदर, और थोड़ी बहुत मॉडलिंग की भी हम चीज़ें देखेंगे। तो बहुत अमेजिंग वीडियो होगा। तो अभी तक लाइक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट जांगो का इस चैनल पर आने वाला है। और आई डोंट वॉन्ट लाइक कोई भी बंदा मिस करे, अगर आपके लाइक फ्रेंड्स हैं, आपके लोग कोई भी लाइक जैसे प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जांगो सीखना है तो डेफिनेटली यू कैन शेयर दिस चैनल विद देम, और कम्युनिटी ग्रो करेगी तभी हम सब ग्रो करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन व्हाट्स न्यूटन स्कूल। सो न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, और ये कंप्लीट 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। इसमें लाइक आपको फुल स्टैक डेवलपर बनाया जाता है, इसमें आपको कंप्लीट फ्रंट एंड बैक एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती हैं। उसके बाद में आपको लाइक तब तक अमाउंट कोई भी फी वगैरह नहीं देनी होती जब तक आपकी जॉब ना लग जाए, ओके। सो बहुत अच्छी चीज़ है, और इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं जो लाइक आपको रिक्रूट करती हैं, लाइक लेंसकार्ट, टॉपर, ड्रीम 11, ओला, स्नैपडील, शाओमी, लेंसकार्ट, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी है। डेफिनेटली यू कैन चेक लाइक व्हाट्स न्यूटन स्कूल। और रिसेंटली न्यूटन स्कूल ने एक लॉन्च पैड इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसमें कि कोई भी जिसे भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, कोडिंग और ये सब चीज़ सीखनी, तो वो फ्री में कोडिंग वगैरह सीख पाए। इसीलिए लाइक यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ है, तो डेफिनेटली यू कैन चेक व्हाट्स न्यूटन स्कूल। अब चलते हैं लाइक हम प्रोजेक्ट के साइड में। तो सबसे पहले हमने लाइक वर्चुअल इन्वायरमेंट अपना बना लिया हुआ, वर्चुअल इन्वायरमेंट को हमने क्या कर लिया, एक्टिवेट भी कर लिया। अब इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में मैंने पहले से जांगो को इंस्टॉल करके रखा हुआ, जिसने भी इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल करके जांगो कर लेगा। मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट में पहले से जांगो इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये इस तरीके का दिखा रहा है। अब हम क्या करते हैं, जांगो के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो जांगो लिखते हैं क्या, जांगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट होटल प्रोजेक्ट करके, तो ये हमारा होटल प्रोजेक्ट करके एक लाइक वो बन जाएगा। अगर हम LS करेंगे तो हमारे पास देखो वर्चुअल एनवायरनमेंट और कोर, ये पहले का प्रोजेक्ट है हमारा, वो पहले पड़ा हुआ है। तो CD कर लेते हैं इसके अंदर होटल अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। जब इसके अंदर हम आ जाएंगे तो हमें क्या मिलती है, एक पाइथन manage.py नाम की फाइल मिलती है। इस कमांड को रन करके हम अपने ऐप्स बनाते हैं, तो पहले बना लेते हैं क्या, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप होम, तो होम ऐप हमारा बन जाएगा, ओके। सो अब अगर हम LS करेंगे तो ये हमें होम ऐप और लाइक होटल प्रोजेक्ट जो हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी और manage.py मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इसको VS कोड में अपने इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर VS कोड नहीं इंस्टॉल किया है तो डेफिनेटली तुम यहाँ पे जाकर के VS कोड लिख करके इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लाइक जब ये हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, अब उसके बाद में हमें इस पर्टिकुलर लाइक जो ये settings.py है अपने रूट ऐप के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर, उसके अंदर इंस्टॉल्ड ऐप में जा करके हमें इस पर्टिकुलर ऐप को जो हम ऐप बनाते जाएंगे उनको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो होम ऐप बनाए तो होम ऐप को रजिस्टर कर लेंगे। देन उसके बाद में इसकी जो URLs रहेंगी उनको मैप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है इंक्लूड को, ताकि लाइक उस पर्टिकुलर ऐप की URLs को इंपोर्ट कर पाएँ। फिर हमने क्या किया, पाथ, देन उसके बाद यहाँ पे empty डाल लेते हैं और इंक्लूड कर लेते हैं क्या, home.urls को, और होम के अंदर urls.py नाम से फाइल तो होगी नहीं, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। हमने पाथ की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, इसको करते हैं, और उसके बाद इसको कॉपी करने के बाद चलते हैं यहाँ पे और एक फ़ाइल बनाते हैं urls.py करके। अब ये फ़ाइल हमारी बन चुकी है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने व्यूज़ को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम डॉट
व्यूज़ इम्पोर्ट ऑल, सारे व्यूज़ को हमने इम्पोर्ट कर लिया, अभी तक हमने कोई व्यू वगैरह बनाया नहीं हुआ है। तो नॉर्मल हम एक बार सर्वर को रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या सारी चीज़ें हमारी काम कर रही हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, डेफिनेटली रन सर्वर करेंगे हम यहाँ पे। जो जब हमारा सर्वर रन कर जाएगा तब हम जाएंगे लाइक अपने पोर्ट पे 121 टाइप करेंगे और हमें यहाँ पे जैंगो का बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज होता है वो हमें यहाँ पे मिल गया। ओके, अब हमें लाइक ये मतलब जैंगो का हमारा जो कंप्लीट प्रोजेक्ट था वो हमारा चल रहा है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे लाइक चलते हैं सेटिंग्स डॉट पी वाई में, और नहीं सेटिंग्स डॉट पी वाई में सारी चीज़ें डन हैं। अब क्या करते हैं अपने मॉडल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले लाइक हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे मॉडल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो मॉडल को इम्पोर्ट करने के लिए मॉडल बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्लास होटल नाम से बनाएंगी, ठीक है। ये इनहेरिट करेगा क्या मॉडल डॉट मॉडल से। ओके, अब इसके अंदर क्या हो सकता है, होटल का क्या होगा, नेम होगा, ठीक, होटल का नेम हो गया। तो मॉडल्स डॉट क्या रहेगा, ये कैर फील्ड मैक्स लेंथ, ठीक। होटल का क्या होगा, प्राइस रहेगा। मॉडल्स डॉट ये क्या रहेगा हमारा, इंटीजर फील्ड रहेगा, ठीक है, इंटीजर फील्ड। होटल का एक प्राइस हो गया, देन उसके बाद इसके अंदर क्या हो सकता है, होटल का प्राइस हो गया, और इसके अंदर एक फील्ड हो सकती है क्या एमिनिटीज़ नाम से, लाइक कि क्या क्या होटल के अंदर हमें चीज़ें मिलती हैं। तो उसके लिए हम एक लाइक फील्ड बना लेते हैं एमिनिटीज़। देन उसके बाद ये क्या रहेगा, मॉडल्स डॉट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एमिनिटीज़ जो हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं या फिर एक भी नहीं हो सकती। उसके लिए हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं एमिनिटीज़ के नाम से। ओके, उसके बाद ये भी इन्हें एडिट करेगा मॉडल्स डॉट मॉडल से, और एमिनिटी नाम से लाइक एक वैल्यू बना लेते हैं एमिनिटी इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, ठीक है। और ये रहेगा क्या, मैक्स लेंथ ऑफ 100, ठीक है। देन उसके बाद एक होटल की बहुत सारी इमेजेस हो सकती हैं ना, तो उसके लिए हमें इमेज के लिए तो एक अलग लाइक वो कर काटना पड़ेगा मॉडल, और उसके लिए एक हो सकती है क्या बैनर इमेज, जो मेन जो डिफ़ॉल्ट बैनर इमेज होगी। तो मॉडल्स डॉट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इमेज फील्ड में लिखेंगे क्या अपलोड अंडरस्कोर टू, और उसके बाद ये अपलोड करेगा कहाँ पे, होटल्स वाले लाइक डायरेक्टरी के अंदर एक बना लेते हैं होटल्स, उसके अंदर ये इमेजेस आएंगी। ओके, सो लाइक अभी तक हमारा काम क्या था, हमने लाइक मॉडल बना लिया वगैरह सब तैयार कर लिया, होटल का प्राइस आ गया, एमिनिटीज़ आ गई, बैनर इमेज आ गई, और भी लाइक बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब अभी मतलब थोड़ा बहुत करते रहते हैं, उसके बाद होटल इमेजेस नाम से लाइक एक मॉडल बना लेते हैं जो कि कैप्चर करेगा क्या होटल की इमेजेस को। तो मॉडल्स डॉट मॉडल, देन उसके बाद इसमें लाइक होटल की हम एक फॉरेन की देते हैं मॉडल्स डॉट फॉरेन की, और यहाँ पे लिखते हैं क्या होटल। अब यहाँ पे हमें एक जब हम फॉरेन की यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे तीन पैरामीटर मतलब डिफ़ॉल्ट में पास करने होते हैं, डिफ़ॉल्ट में नहीं, तीन पैरामीटर के ऑप्शंस होते हैं हमें पास करने के। तो पहला होता है क्या मॉडल्स डॉट ऑन कैस्केड, मॉडल्स डॉट सेट नल, मॉडल्स डॉट ऑन डिफ़ॉल्ट। तो सेट नल क्या करता है, जब लाइक आपका पर्टिकुलर ये पेरेंट मॉडल डिलीट हो जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे ये नल कर देगा होटल की जगह पे। मान लो ये इससे फॉरेन की अटैच है, उसके बाद ये क्या होगा, अगर ये डिलीट हुआ तो यहाँ पे नल कर देगा। मॉडल्स डॉट ऑन कैस्केड क्या करता है, अगर ये वाला मॉडल बना, ये वाला मॉडल डिलीट हुआ तो उसके बाद ये पेरेंट चाइल्ड मॉडल भी डिलीट कर देगा। डिफ़ॉल्ट क्या करता है, अगर ये वाला डिलीट होता है तो इसकी जगह पे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा। हम अभी क्या करेंगे, मॉडल डॉट ऑन कैस्केड, ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड, मॉडल्स डॉट कैस्केड क्या करेगा, डिलीट कर देगा इसको। ओके, अब इसके बाद इमेज आएगी इसके अंदर, फिर इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इमेज इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, ठीक है, होटल आ गया। अब हर एक के अंदर हमें क्या डालनी पड़ेगी, क्रिएटेड एट अपडेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएटेड एट अपडेटेड एट फील्ड ऐड करना, क्योंकि लाइक मेजरली ये बहुत लाइक हर एक माइंड जो प्रोडक्शन में या फिर कभी भी डेटाबेस में देखोगे तो क्रिएटेड एट अपडेटेड टाइम स्टैम्प ज़रूर ऐड होता है। तो मॉडल्स डॉट डेट फील्ड, और इसमें डिफ़ॉल्ट में क्या कर देंगे, ऑटो नाउ ऐड टू, यहाँ पे लिखेंगे क्या ऑटो नाउ ऐड टू, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक फील्ड बनानी होती है क्या अपडेटेड ऐड, अपडेटेड ऐड और ऑटो नाउ ट्रू, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद हर जगह यहाँ पे पेस्ट कर देंगे क्रिएटेड ऐड होटल्स के अंदर, ऐप के अंदर, उसके बाद में लाइक होटल ऐप के अंदर
पेस्ट कर देंगे। ओके सो ये लाइक हमारे कंप्लीट मॉडल तैयार हो गया। अभी हम माइनर पे चलते हैं, फिर धीरे धीरे इसको चेंज करेंगे। ठीक है, हो सकता है होटल का डिस्क्रिप्शन भी हो, तो होटल का डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली होगा। होटल डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड रहेगा, टेक्स्ट फील्ड, और बस ठीक है, हमारा ये मॉडल कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करते हैं, इसको इस पर्टिकुलर मॉडल को चलते हैं, लाइक माइग्रेशन माइग्रेट वगैरह रन करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, जो हमने मेनी टू मेनी फील्ड यूज़ करी, इसमें हमें ये एमिनिटीज़ को पास करना पड़ेगा, मतलब ये ज्वाइंट करनी पड़ेगी ना, तभी देखो यहाँ पे ये एरर दे रहा था। अब ये हमारी एरर सॉर्टेड है। अब चलते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन करते हैं, मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। ठीक है, तो ये हमारे लाइक कंप्लीट मॉडल बन चुके हैं। अब यहाँ लिखते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, तो हम जब लाइक माइग्रेट करेंगे तो फिर हमारे सारे के सारे मॉडल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन, सॉरी क्रिएट सुपर यूज़र करते हैं, क्रिएट सुपर यूज़र में डाल देते हैं एडमिन, ईमेल में कुछ नहीं, 123 123 और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है, अब रन सर्वर हुआ। अब उसके बाद चलते हैं यहाँ पे एडमिन में, देन उसके बाद चलते हैं सारे के सारे मॉडल्स को हम क्या कराते हैं, रजिस्टर करवाते हैं। एमिनिटीज़ हो गया, होटल हो गया, और ये होटल इमेज हो गया, इनको क्या करते हैं यहाँ पे लाइक एडमिन डॉट पी वाई में रजिस्टर करते हैं। पहले तो मॉडल को हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ऑल, देन उसके बाद एमिनिटीज़ एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर होटल इमेज। आहा, मतलब अब ये हो चुका है हमारा। अब क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं एक होटल एडमिन नाम से, और ये मॉडल सॉरी एडमिन डॉट मॉडल एडमिन से इनहेरिट करेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट डिस्प्ले में चीज़ें ऐड कर देंगे ताकि थोड़ी थोड़ी और चीज़ें हमें मिलती रहें। ओके सो होटल नेम आ गया, होटल प्राइस आ गया, और क्या कर सकते हैं, बस होटल नेम होटल प्राइस होता है, अगर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अगर चाहें तो वो भी यहाँ पे लाइक पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये हो गया, और ये हमारा ये हो गया, फिर ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें हो चुकी हैं। ओके सो और इस पर्टिकुलर एडमिन वाले को यहाँ पे हम पास कर देंगे। ठीक है, तो अब जब हम लाइक चलते हैं अपने सब में डंडर str मेथड ऐड कर लेते हैं, तो def underscore underscore str underscore रिटर्न करवा देंगे सेल्फ डॉट डॉट एमिनिटी। ओके देन सेम मेथड यहाँ पे भी कॉपी होगा, बस यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे क्या, होटल अंडरस्कोर नेम, और ये चीज़ यहाँ पे भी कॉपी होगी, बस यहाँ पे हमें फॉरेन की का डेटा प्रिंट कराना होगा। तो उसके लिए चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं होटल। ठीक, तो ये हमारा काम कंप्लीट। अब चलते हैं एडमिन पैनल में, लॉगिन करते हैं, अगर ये सर्वर हमारा चल रहा होगा, एमिनिटीज़ में चलते हैं, कुछ डेटा ऐड करते हैं, है ना, लाइक बालकनी, स्विमिंग पूल, फूड, और क्या कर सकते हैं, कॉफ़ी, कुछ भी एमिनिटीज़ अभी ऐड कर लेते हैं टेस्टिंग के टाइप में। और क्या एमिनिटीज़ हो गई, फूल हो गया, और गार्डन में डाल देते हैं, है ना, और गेम्स। ठीक, तो ये हमारी एमिनिटीज़ हो गई। अब चलते हैं होटल्स में, होटल्स में चल करके कोई एक होटल का नाम डालते हैं, ब्लू वन होटल, होटल का प्राइस है 500 रुपये। होटल डिस्क्रिप्शन के लिए चलते हैं लाइक लॉरम इप्सम को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं कॉपी, इसको करते हैं पेस्ट। इसमें लाइक दो एमिनिटीज़ हैं, स्विमिंग पूल है, बालकनी है, और चलते हैं लाइक पिक्सेल से थोड़ी बहुत इमेजेस को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं होटल, ओके होटल आ गया हमारा, देन ये वाला हो गया, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। दो इमेज बहुत है अभी हमारे लिए,
बाकी हम ये सब चीज़ें बाद में अपना एड ऑन करते रहेंगे। तो बैनर इमेज के लिए कॉपी करते हैं ये वाली इमेज, उसको करते हैं सेव। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है। अब एक और लाइक ऐड करते हैं होटल को। ओके, सो यहाँ पे कर सकते हैं ब्लैक विंडो होटल, प्राइस है इसका लाइक 1000 रुपीज़। होटल डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया, इसके अंदर लाइक सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा मतलब रिच होटल है। इसको करते हैं सेव एंड ऐड अनदर होटल ब्लू शेड्स, इसका प्राइस है लाइक 2000 रुपीज़। डिस्क्रिप्शन में इसमें के अंदर खाली बालकनी आपको मिलती है। देन उसके बाद में अगर हम इमेज के लिए कोई भी इमेज कॉपी कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, ये हमारे होटल सारे आ चुके हैं, एमिनिटीज सब में ऐड हो चुकी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर होटल की एक API बनानी पड़ेगी, एंड पॉइंट, ताकि लाइक जब कोई पॉइंट हिट करे तो वो API में हमें सारा का सारा डेटा मिल जाए। तो उसके लिए लाइक हमें एक गेट API बनानी पड़ेगी। चलते हैं अपने व्यूज़ में। सबसे पहले लाइक मॉडल्स को करते हैं इम्पोर्ट, तो लिखते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ऑल। अब क्या करते हैं, डेफ गेट होटल नाम से लाइक एक फंक्शन बनाते हैं और ये रिक्वेस्ट पैरामीटर को हैंडल करेगा। इसके अंदर हमें एक और रिस्पॉन्स को लाइक इम्पोर्ट करना पड़ेगा, एक चीज़ और को, फ्रॉम जैंगो डॉट HTTP इम्पोर्ट जेसन रिस्पॉन्स। ठीक है, हमेशा अपने कोड को ट्राई कैच में सराउंड करो, ज़्यादा गुड प्रैक्टिस है। एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई और रिटर्न करा देंगे ई को। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे जो होटल ऑब्जेक्ट हैं उनको लेकर के आने पड़ेगा। तो होटल्स होटल OBJS इज इक्वल टू होटल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। अब क्या हुआ, ये सारे के सारे होटल ऑब्जेक्ट आ गए। अब हम एक पेलोड नाम से लाइक एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हम इसको भेज देंगे। ओके, तो लिखते हैं फॉर होटल अंडरस्कोर OBJ इन होटल अंडरस्कोर OBJS। अब इसके अंदर हमें सारी चीज़ें अपेंड करनी पड़ेगी, तो करते हैं पेलोड डॉट अपेंड। इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें अपेंड करनी पड़ जाएंगी, होटल नेम, होटल प्राइस, होटल डिस्क्रिप्शन और बैनर इमेज। बस इन सब चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर पेस्ट। ओके, ठीक, तो ये हमारा काम हो चुका है। अब हर जगह बस हमें यहाँ पे होटल OBJ ऐड करना पड़ेगा। डॉट, ठीक है, ठीक है। सॉरी, ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट एक रिस्पॉन्स बन चुका है। अब इस रिस्पॉन्स को हम रिटर्न करा देंगे, रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स। अभी मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने करी हुई हैं। ओके, पेलेट को कॉपी, यहाँ पे पास, और यहाँ पे क्या कर देंगे, सेफ इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, गेट होटल जो API है इसको हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे, लाइक अपने URLs में चल करके ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं पाथ API / गेट अंडरस्कोर होटल्स। ओके, अब इसमें URLs में से हमें पाथ को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए चलते हैं लाइक URLs में, यहाँ से इसे कर लेते हैं इम्पोर्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जब हम इसमें कैंसिल आउट कर देंगे, अब इसको क्या करते हैं, एक बार कॉल करते हैं इस पर्टिकुलर API को। यहाँ पे लिखते हैं API / गेट अंडरस्कोर होटल्स, होटल रिटर्न अनन इंस्टेड जस्ट इन केस। यहाँ पे व्यूज़ में चलते हैं, अगर कोई लाइक एक्सेप्शन रेज होगा तो हम रिटर्न करा देंगे क्या, जेसन रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा देंगे, सम थिंग वेंट रॉन्ग। ओके, अब इसको करते हैं एक बार रीलोड।
समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या एक्सेप्शन आया था, इसको देखते हैं. ऑब्जेक्ट अवे इज नॉट जेसन सीरियलाइजेबल, डेफिनेटली हमें यहाँ पे एसटीआर मेथड लगाना चाहिए था. ओके सो ये हमारे होटल्स के जो लाइक होटल्स थे वो सारे आ रहे हैं. अब इसमें लाइक थोड़े बहुत फिल्टर के ऑप्शंस हम देखते हैं. लाइक सपोज दैट अगर किसी को असेंडिंग ऑर्डर में या लाइक होटल्स के प्राइसेस चाहिए होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक एक क्वेरी स्ट्रिंग में पैरामीटर पास करेंगे लाइक सॉर्ट अंडरस्कोर बाय, और यहाँ पे लाइक ASC लिखेंगे तो ये क्या करेंगे, जो हमारे सारे जो होटल होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, और जब लाइक DSC लिखेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, प्राइस लो टू हाई, हाई टू लो आएंगे. ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेरी स्ट्रिंग को लेने के लिए जांगो के अंदर यहाँ पे लिखना पड़ता है. अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो रिक्वेस्ट डॉट गेट करके मुझे यहाँ पे की के नाम देना होता है. अब जब मैं की का नाम दूंगा तो ये हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देगा. अगर मैं कंसोल में जाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे DSC लिख करके आ रहा, इसी से हमें बस यहाँ पे फिल्टर करना होगा. तो यहाँ पे एक चेक लगा देंगे, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट सॉर्ट बाय में कोई वैल्यू है. अब हम यहाँ पे चेक करेंगे लाइक सॉर्ट बाय अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू ये वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू लेकर के आ जाएंगे. ठीक है, ये वैल्यू को हमने ले लिया. अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे अगर सॉर्ट बाय की वैल्यू, इफ़ सॉर्ट बाय इक्वल टू क्या ASC है तो फिर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे, अदरवाइज LF लगा देंगे. इफ़ सॉर्ट बाय इज इक्वल टू DSC है तो इसको हम ऑर्डर बाय लाइक मतलब उसके अकॉर्डिंग कर देंगे, क्या कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो होटल OBJ इज इक्वल टू होटल OBJ डॉट ऑर्डर बाय प्राइस, होटल प्राइस जो भी लाइक की थी हमारे वैल्यू डेटाबेस में क्या है होटल प्राइस. देन अगर उसके बाद यहाँ पे जब अगर हमें DSC मिलेगा तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगा देंगे तो ये उल्टा सॉर्ट कर देगा. अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें ये चीज़ें सही से काम करती मिलेंगी. अगर हम यहाँ पे जाएं तो अगर हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो ये हमें नॉर्मल जिस तरीके से डेटा सेव हुआ था उस तरीके का प्राइस दे रहा है. अगर हम यहाँ पे जाएं, यहाँ पे लिखते हैं सॉर्ट अंडरस्कोर बाय इज इक्वल टू DSC, यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग देनी पड़ेगी. तो क्या कर दिया इसने, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, 2000 वाला पहले आ गया, 1500 इस तरीके से सीक्वेंस वाइज आ गए. तो यहाँ पे अगर हम फिर से ASC लिखेंगे तो ये हमें 500 इस तरीके से दे रहा है. ठीक है, अब उसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे जब कोई होटल लेस देन आएगा, मतलब अगर हम यहाँ पे पास कर दें क्वेरी स्ट्रिंग में अमाउंट, अगर हम पास कर दें यहाँ पे सपोज दैट कोई भी अमाउंट पास कर दें लाइक 10 पास कर दें तो इस अमाउंट के हिसाब से हमें फ़िल्टर करना है. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और चेक लगा देंगे, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट गेट यहाँ पे लिखेंगे क्या अमाउंट में हम पास कर देंगे पर्टिकुलर जो भी हमारा अमाउंट आएगा उस वैल्यू को हम निकाल लेंगे. ठीक है, और इस अमाउंट को लेने के बाद में हम यहाँ पे पास कर देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या होटल OBJ इज इक्वल टू होटल OBJ डॉट, यहाँ पे क्या कर देंगे डॉट ऑब्जेक्ट्स होटल OBJ डॉट फिल्टर. फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पे हम प्राइस पास कर देंगे, होटल प्राइस डबल अंडरस्कोर LTE इज इक्वल टू जो भी हमारा अमाउंट आया होगा. तो ये उस हिसाब से अमाउंट के हिसाब से सॉर्ट कर देगा. अब अगर हम यहाँ पे जाएं अमाउंट 10 लिखें तो 10 रुपये के हिसाब से कोई होटल नहीं तो इसने हमें एम्प्टी दे दिया. अगर हम यहाँ पे जाएं 200 लिख दें तो ये हमें क्या करेगा 200 वाले होटल ला करके दे देगा, 200 वाला भी कोई होटल नहीं. अगर हम यहाँ पे 500 करते हैं तो ये हमें 500 वाला एक होटल ला के दे दिया. अगर हम यहाँ पे 1000 लिखते हैं तो ये हमें 1000 से जितने भी कम वाले होटल होंगे वो सारे ला करके दे देगा. तो इस तरीके से लाइक ये हमारी पूरी API कंप्लीट हो गई है. सो आई होप लाइक ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो, और न्यूटन स्कूल पर जाकर के लाइक अपने आप को इनरोल कर सकते हो. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय. और अगर ये वीडियो पसंद आया डेफिनेटली अपने लोगों तक शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को. गुड बाय.